दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो क्लिप के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्यूटीफुल एवरग्रीन परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट लैंटाना कैमरा प्लांट के बारे में। दोस्तों, ये लैंटाना प्लांट सदाबहार प्लांट रहते हैं, गर्मी हो ठंड हो ये लगातार ही हमें फ्लावरिंग देते रहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में थोड़ा ये बीच में इनके गैप आ जाता है। अगर हम इनकी थोड़ी सी ही केयर करें तो ये हमें खूब फ्लावरिंग देते हैं। एक प्रकार के जालीनुमा प्लांट्स रहते हैं दोस्तों। आप इनको बाग बगीचों में, स्कूल गार्डन में आपने अक्सर इनको देखा होगा। ग्राउंड पर आप इन्हें ग्रो करें तो अपने आप ही ये ग्राउंड पर फैल जाते हैं और काफ़ी ग्राउंड स्पेस को कवर कर लेते हैं, और लीव्स से भी ज़्यादा इनके ऊपर दोस्तों फ्लावर्स आते हैं। आप देख ही सकते हैं, मैंने इस प्लांट को एक पोट के अंदर ग्रो किया हुआ है और अब दिसंबर के मंथ में काफ़ी ज़्यादा ठंड आ चुकी है तो भी इन प्लांट्स ने खूब फ्लावर्स दोस्तों इन प्लांट्स पर आप देख सकते हैं। अगर आप इन प्लांट्स पर पूरे साल भर फ्लावर्स पाना चाहते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसे अब ठंड के दिन आ चुके हैं तो आप इन प्लांट्स को आउटडोर रखें, पूरे दिन भर की धूप इनको खूब पसंद रहती है। चाहे कितनी ही तेज़ गर्मी हो या काफ़ी तेज़ ठंड हो तो प्लांट्स ये अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं। काफ़ी हार्डी ये प्लांट्स रहते हैं और इनके फ्लावर्स का कलर दोस्तों काफ़ी प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, और एक स्वीट स्मेल भी इनके फ्लावर्स में से आती है। इनमें अगर आप ज़्यादा फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो एक जो मेन ट्रिक इसमें रहती है कि आप इनकी फ्लावरिंग के बाद प्रूनिंग कर दें। दोस्तों, मैंने इस प्लांट्स में जब लास्ट टाइम इन्होंने फ्लावरिंग की थी मानसून के बाद, तो मैंने इसकी चारों ओर से पूरे प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। हार्ड प्रूनिंग के बाद नीचे वाले पार्ट में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ पाई, पर दोस्तों साइड में ये पार्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस बनी, ग्रोथ हुई और फ्लावर्स दोस्तों आप इसके ऊपर देख ही सकते हैं। करीब एक वीक हो चुका है इनके ऊपर इन फ्लावर्स को खिले हुए, और कई दिनों तक इनके फ्लावर्स खिलने के बाद प्लांट्स पर बने भी रहते हैं। खास पानी का भी ध्यान रखना है, हल्की हल्की नमी आपने इस प्लांट की सॉइल में बनाए रखनी है, ज़्यादा पानी आपने देना नहीं। ज़्यादा पानी अगर देंगे तो इनमें फ्लावर्स कम आएंगे पर ये प्लांट्स काफ़ी जल्दी ग्रोथ करेगा। इसमें जो लीव्स की ग्रोथ है, ब्रांचेस की ग्रोथ, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, पर फ्लावर्स उस कंपेरेबल काफ़ी कम आएंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही पानी दें। एक वीक में मैक्सिमम दो बार पानी देना ठीक रहेगा ठंड के दिनों में। और दोस्तों, आप टाइम टाइम पर मंथ में एक बार कम से कम इसके सोइल की अच्छे से गुड़ाई भी कर दें ताकि इनकी रूट्स अच्छे से ग्रोथ करें, क्योंकि इनकी रूट्स ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। इसलिए मैंने थोड़े बड़े पोट का सिलेक्शन किया है, पर काफ़ी आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट ये रहता है। इसको आप दो साल में एक बार रीपोट भी आप जरूर करें। अगर स्मॉल पोट में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको हर एक साल बाद इसे रीपोट करना होगा। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं और आपके पास टाइम कम रहता है तो आप इन प्लांट्स को ला सकते हैं, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा बिगनर्स के लिए। जो लास्ट पॉइंट हमारा खाद का रह गया है, तो आप इसकी पोटिंग सोल के अंदर ही कोई कंपोस्ट जब आप इस प्लांट को लगाएं तो उसमें मिला दें, उसी से प्लांट्स ग्रोथ करते रहते हैं। मैंने बस इस प्लांट को लास्ट टाइम जो मैंने प्रूनिंग की थी, प्रूनिंग के बाद मैंने मस्टर्ड के का लिक्विड फर्टिलाइज़र फीड किया था। उसके बाद मैंने अभी एक वीक पहले, जस्ट फ्लावरिंग से पहले, बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र फीड किया। उसी से आप इस प्लांट के ऊपर दोस्तों फ्लावर्स देख सकते हैं। बस ये कुछ बातें थी इस लैंटाना कैमरा प्लांट की केयर के रिगार्डिंग, के विंटर के अंदर दोस्तों हम इन प्लांट्स पर फ्लावर्स कैसे पाएं। मिलते हैं फिर कभी एक और नई वीडियो के साथ।